हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग 2020 का जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है और जो उसकी अलॉटमेंट है वो हो चुकी है। अब बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में, मोपअप राउंड के बारे में। तो ये मोपअप राउंड के बारे में अपडेट आया है, क्या अपडेट आया मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो वेबसाइट पे आ जाना है, aacc.gov.in पे। यहाँ पे आने के बाद आपने काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहां से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसी पीडीएफ डाउनलोड होगी आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो देखो इसमें क्या चेंज आया है, इसमें चेंज ये आया है, देखो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, देखो फर्स्ट राउंड के बारे में लिखा है, सेकंड राउंड के बारे में लिखा गया, देखो थर्ड राउंड के बारे में। तो देखो यहां पे जो पहले काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी वो होनी थी 13 जनवरी 2021 से, लेकिन अब वो डेट चेंज होके हो चुकी है 19 जनवरी 2021 से लेकर 23 जनवरी 2021 तक, ठीक है। अब जो मोपअप राउंड है इसकी लिए डेट चेंज हो चुकी है और ये 5 बजे तक आपकी चलने वाली है। अब यहां पे आप उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और जो चॉइस लॉकिंग की डेट है वो है 24 जनवरी 2021। आप 10 बजे से लेके 5 बजे तक चॉइस लॉक कर सकते हैं, नहीं करते तो अपने आपकी जो चॉइस है वो लॉक हो जाती है। अब जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो आएगा 27 जनवरी 2021 को। रिजल्ट के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है 28 जनवरी 2021 से लेके 8 फरवरी 2021 तक, ठीक है। ये आपने करनी है। तो ये मोपअप के लिए चेंज आया है, तो अब आपने 13th की जगह 19th को करनी है। यहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखी है उनको जरूरत नहीं है दोबारा कराने की, और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो ये अपडेट आया था ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की तरफ से। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।